आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा के चुनाव में बड़े बहुमत के साथ जीत के बाद भाजपा और एनडीए ने एक नई सरकार के गठन की कवायद शुरू कर दी है। संसद के सेंट्रल हॉल में संसदीय बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम का प्रस्ताव रखा। इसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने समर्थन दिया। इसके बाद भाजपा के सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने हाथ उठाकर मोदी के नाम का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए की ओर से अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का जेडीयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एलजेपी के रामविलास पासवान, एआईएडीएमके के पलानीसामी, एनपीपी, एनडीपी सहित सभी घटक दलों के नेताओं ने भी मोदी के नाम का अनुमोदन किया। इसी के साथ मोदी सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सेंट्रल हॉल में मोदी मोदी के नारे भी लगे। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ 30 मई को होने की संभावना है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और अन्य नेता भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। पार्टी ने राहुल के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन में बदलाव करने के पूरे अधिकार दिए। चुनाव के नतीजों से राहुल गांधी का मिजाज ठीक नहीं है और इस करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। राहुल इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनकी बात से सहमति नहीं दिखाई। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लोकसभा चुनाव की हार को स्वीकार करते हुए तय किया है कि पार्टी में हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन की जरूरत है। बैठक में वर्किंग कमेटी ने न केवल राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को ठुकराया, बल्कि उन्हें संगठन में सभी तरह के बदलाव करने के अधिकार भी दिए। राहुल के अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति वे एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, शोषितों व वंचितों की समस्याओं के लिए आगे बढ़कर जूझने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति उन चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से प्रतिकूल जनादेश आया। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी के हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें।
इसके लिए योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारा है, लेकिन हमारा अदम्य साहस, हमारी संघर्ष की भावना और हमारे सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले से मजबूत है। बैठक से पहले ही राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल राव के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी और इसके बाद से ही कमेटी ने उन्हें समझाने का काम शुरू कर दिया था। वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। यह जरूर कहा गया है कि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। बैठक में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। वह एक महान व्यक्ति है और भारतीय लोगों के नेता है। यह बात ट्रंप ने लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की जीत के बाद बधाई देने के लिए किए गए फोन कॉल पर कही। अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन में इतर ट्रंप ने पीएम मोदी को दोबारा सरकार बनाने के लिए बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान में G20 शिखर सम्मेलन में मिलने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और पिछले 2 साल की उपलब्धियों पर और अधिक काम करने का इरादा जाहिर किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी BJP को चुनाव में बड़ी जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी से भारत और अमेरिकी साझेदारी के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं हमारे महत्वपूर्ण काम जारी रखने का इच्छुक हूं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर ट्रंप को धन्यवाद कहा और लिखा, यह जीत 1.3 अरब लोगों के देश की आकांक्षाओं की प्रतिनिधित्व करती है। मैं भी आपके साथ निकटता से द्विपक्षीय संबंधों के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूं, जो वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी अच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी बसे हैं, दूसरी बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा, जातिवाद, वंशवाद, आतंकवाद, राजतंत्र, गुंडावाद समाप्त हो गया है। ऐसे परिणाम आश्चर्यजनक है। मोदीवाद की विजय यानी विकास का विजय है। भोपाल में सेंट्रल प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की असफलता के पीछे की सच्चाई यही है कि वो मोदी को टारगेट करते रहे और मुद्दों से भटक गए। कांग्रेस में वंशवाद हावी था और अब यह नहीं चला। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1300 करोड़ देकर कर्ज माफ नहीं होगा। छिंदवाड़ा में विजय कोई विजय नहीं है। बल्लभ भवन में AC में बैठे रहे और जमीन खिसक गई। योजनाओं के बंद होने से जनता ने इस चुनाव में इसका जवाब दिया। देश के दिल, मध्य प्रदेश की जनता के दिल में भी नरेंद्र मोदी है। देखिए, आप चुनाव परिणामों का अगर विश्लेषण करें तो मैं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, निष्पक्ष भी सोचता हूं। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी, तब सीटें जीती थी 298, जहां तक मुझे ध्यान, 298, जिसमें कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की भी 28 सीट शामिल थी, लेकिन जनता लहर बिंद के पार नहीं जा पाई थी। कांग्रेस को 150 से ज्यादा, जहां तक मुझे ध्यान, 154 सीटें उस समय भी कांग्रेस को मिली थी। लेकिन ये पहली बार है कि लगातार दूसरी बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भी औपचारिक रूप से अपना नहीं बना पाएगी। इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शिवराज ने कहा कि 2014 के मुकाबले 61 से बढ़कर 71% हो गया और यही हमारी जीत का कारण बना। ये मोदी सुनामी का असर है। उन्होंने कहा, गुना में जीत सकते थे तो हर जगह जीत सकते थे। गांव-गांव में लोग आकर बोले कि उम्मीदवार सही देना और परिणाम सामने है। देश का सम्मान और सुरक्षा मोदी जी के हाथों में है, सुरक्षित है। कांग्रेस सिर्फ लाश गिनने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता प्रेम सिंह चौहान का आज उपचार के दौरान निधन हो गया। शिवराज सिंह चौहान के पिता कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे।
मुंबई में इलाज के दौरान बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता का निधन हो गया है। एक दिन पहले ही उन्हें उपचार के लिए भोपाल से मुंबई ले जाया गया था। उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिता के देहावसान की खबर मिलते ही शिवराज सिंह चौहान मुंबई को रवाना हो गए। शिवराज ने भोपाल में आज भाजपा की जीत पर मीडिया को संबोधित किया था। बताया जाता है कि इसी दौरान उन्हें यह दुखद समाचार मिला। श्री प्रेम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता से शामिल होते थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ ही इंदौर के समीप सांवर में उल्टे हनुमान मंदिर में भी प्रमुख अवसरों पर वे दर्शनों के लिए पहुंचते थे। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए मिर्ची से यज्ञ करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यनंद को निरंजनी अखाड़े ने निकाल दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए लाल मिर्च से दिग्विजय यज्ञ किया था। इस खास यज्ञ में उन्होंने 5 क्विंटल लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था और ये दावा किया था कि उनकी जीत तय है। ऐसा नहीं होने की सूरत में मिर्ची बाबा ने उसी यज्ञ कुंड में समाधि लेने की बात कही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह की करारी हार के बाद बैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा गायब है। भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह की हार में कुछ बाबाओं के ड्रामे का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन बाबाओं में कंप्यूटर और बैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा प्रमुख हैं। इन बाबाओं की हरकतों से जहां धर्म का मजाक उड़ा, वहीं दिग्विजय भी लोगों की नजरों से गिर गए। खुद को कंप्यूटर बाबा कहने वाला साधु दूसरे साधुओं को झूठ बोलकर भोपाल लाया और हटियों करने का बैठ गया। जब इसके साथ आए साधु संतों को इसकी राजनीति का पता चला तो वे इसका साथ छोड़कर चलते बने और दिग्विजय सिंह तक को राक्षस करार दे दिया। बैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा ने भोपाल में लोगों के सामने ऐलान किया था कि दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची से दिग्विजयी यज्ञ किया जाएगा और अगर दिग्विजय नहीं जीतेंगे तो मिर्ची बाबा उस यज्ञ कुंड में समाधि ले लेंगे। आप भी सुन लीजिए तब मिर्ची बाबा ने क्या कहा था। दिग्विजय के लिए दिग्विजय यज्ञ करने जा रहे हैं जो 5.5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ रहेगा। किसी कारणवश कोई विषय आता है तो उस यज्ञ का मेरा संकल्प है, मैं उस यज्ञ में जिंदा समाधि ले लूंगा। चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए और ये बाबा जनता के बीच से गायब हो गए। अब इन बाबाओं के समर्थक और विरोधी बाबाओं को तलाश रहे हैं, लेकिन बाबा गायब है। इधर स्वामी बैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा को निरंजनी अखाड़े से निकाल दिया गया है। मिर्ची बाबा से एक युवक ने बात की तो बाबा अपनी बात से पलट गया। हेलो जी, जी हेलो, हाँ बोले, कौन? स्वामी जी बोल रहा हूँ। कौन स्वामी? आपने किसको लगाया? अरे आपने समाधि लेने का बोला था ना दिग्विजय सिंह की हार पे। तो आप कौन बोल रहे हैं? हम भोपाल से बोल रहे हैं। नाम? राहुल। बोले राहुल, आपने समाधि लेने का बोला था। तो फिर कब ले रहे हैं आप समाधि? कोई आपको जरूरी है क्या? आप स्वामी होके झूठ बोलेंगे क्या फिर आप? तो आप ये शिक्षा तो अपने लोगों को दीजिए, हमें मत दीजिए। अपने कौन से लोगों को? तुम जिसके पढ़ाए हुए तोते चल रहे हो, जिसके पढ़ाए हुए उनको शिक्षा दीजिए कि जब एक देश की साध्वी बोल सकती है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे चौक से हैं। अरे रे रे, आप वो कहां की बात? अरे आप राष्ट्रभारे तो मतलब अच्छा भारत को, कोई कोई संत नहीं बोल सकता है क्या? इसमें तुम ठेकेदार हो क्या? कोई झूठ बोलेगा तो मतलब आप भी झूठ बोलेंगे। तुम ठेकेदार नहीं हो मेरे, ठीक है ना? कोई झूठ बोलेगा तो आप भी झूठ बोलेंगे। तुम मेरे ठेकेदार थो रहे हो। आप कैसे संत हैं यार? जज थो रहे हो, कोर्ट थो रहे हो। आप कैसे संत हो? आप बिल्कुल ऐसा छाती ठोक के बिल्कुल बोले थे समाधि ले लूंगा। दुनिया कहेगी तुम जज नहीं हो, वकील नहीं हो। वकील हूँ ना मैं, तुम बात कर रहे हो यार। मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ। अब वकील हो तो आप जाकर के कोर्ट में जाकर के केस लगाइए। अरे क्या केस लगाए, आप हिंदू के संत हो के आप इतना बड़ा अपने आप मजाक कर रहे हैं। केस लगाइए जज की अदालत में, खटखटाइए कि यार ये कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के संत भी झूठ बोलने लगे हैं। ये सब मुझे क्यों शिक्षा दे? आपको मेरा नंबर पहले किसने दे दिया? दूसरी बात, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कब समाधि लूंगा कब नहीं लूंगा? क्या मैंने पत्रकार वार्तालाप की तब तुमको पूछा था क्या सबको? स्वामी जी सुनिए तो जी, स्वामी जी को ज्ञान मत बांटिए यार। आपको थोड़ी सी शर्म आज आई कि नहीं आई दिग्विजय सिंह की हार पे? किसको? आपको। क्यों?
थोड़ी सी सर महसूस हुई कि नहीं, आप तो 51 किलो मिर्ची नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हुई है। स्वाभाविक करके जो समाज ने निर्णय लिया मैं उसको मानता हूँ। उसके बाद में मैं कल भी दिग्विजय सिंह के साथ था, आज भी दिग्विजय सिंह के साथ हूँ। जब तक मेरे श्वास है जिंदगी भर रहिएगा, जिंदगी भर रहिएगा। और एक मिर्ची का हवन और करवाइये, बिल्कुल करवाऊंगा। रखिए फोन, ठीक है, धन्यवाद, आपको बधाई हो। हाय हाय मिर्ची, 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 हाय हाय मिर्ची। मिर्ची बाबा से हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की लेकिन बाबा ने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी स्थित अपने किराए के घर से हरिद्वार चले गए हैं। अब वे अपनी अखाड़े से निकालने जाने को लेकर साधु संतों से चर्चा करेंगे और अखाड़े में वापसी की कोशिश करेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में 9 सीट पर जीत के साथ उत्साह से लबरेज भाजपा ने जीत का सहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधा और कहा कि यह जीत मोदी और राष्ट्रभक्तों की है। बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां जहां भी कदम डाले वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गई। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जहां जहां कदम पड़े वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गई। परिणाम आने से पहले 11 सीट पर जीत का दावा करने वाले भूपेश बघेल सिर्फ 2 सीट पर जीत दिला सके। कांग्रेस का राष्ट्र नेता बनने की फिराक में भूपेश ने 10 दिन तक अमेठी में डेरा डाला, वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार गए। फिर मध्य प्रदेश में अपने राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार किया, वहां करारी हार हुई। जबलपुर गए, वहां भी कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। लखनऊ पहुंच गए, वहां भी हार मिली और कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश की महत्वाकांक्षा यहां तक की नहीं रुकी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में प्रचार करने गए, वहां भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी हार दुर्ग में हुई जो उनको गढ़ है। 5 महीने में जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, जनता ने अस्वीकार कर दिया। वित्तीय हालत इतनी खराब हो गई, त्राही त्राही मचा हुआ है, वित्तीय प्रबंधन करना आता नहीं है और इतनी बड़ी असफलता को जनता ने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नकारा है। अब बहानाबाजी नहीं ढूंढेगा, अब आपको जवाबदारी मिली है, पूरी ताकत के साथ लगी है और विकास करिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा 5 महीने के बघेल के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा है। बदलापुर की सरकार वाली मानसिकता छत्तीसगढ़ में चल नहीं सकती। देश नए युग में प्रवेश कर रहा है, नया इतिहास रच गया। यह दूसरा अवसर है जब किसी राजनीतिक दल को अपने बूते सरकार बनाने का अवसर मिला। भाजपा पहली 303 के आंकड़ों पर पहुंची और वंशवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आईना भेजा है, अब एक बार उस आईने में अपना चेहरा देख लें। बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो चुके भोपाल में दिग्विजय सिंह को लोग नापसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के लिए हालात इतने विषम रहे कि वह अपनी कॉलोनी के बूथ पर ही हार गए। सरकारी कर्मचारियों और अफसरों ने भी बीजेपी की प्रज्ञा सिंह के लिए एक तरफा वोटिंग की। साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच मुकाबले में दिग्विजय सिंह अपने प्रभाव वाले इलाकों में भी बहुत ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाए। राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सटे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव सूरजपुर में भी साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में एक तरफा वोट पड़े हैं। यहां दिग्विजय को 207 तो प्रज्ञा को 427 वोट मिले हैं। यही नहीं, पिछले 2 महीने से दिग्विजय सिंह जिस कॉलोनी आम्रपाली में रह रहे हैं वहां भी वे नहीं जीत पाए। उन्होंने 144 वोट हासिल किए जबकि प्रज्ञा को यहां से 323 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ रिवेरा जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रह रही हैं वहां प्रज्ञा को 58 वोट मिले हैं जबकि दिग्विजय को महज 21 वोट मिले। नोटबंदी और जीएसटी से हुई तमाम दिक्कतों के बावजूद पुराने शहर के व्यापारियों के वोट भाजपा के पक्ष में गए हैं। इसकी एक वजह भोपाल में हिंदुत्व का मुद्दा हावी होना भी है। नूरमहल सिंधी मार्केट लखेरापुरा छोला में दिग्विजय को 90 वोट भी नहीं मिल पाए। इब्राहिमगंज में दिग्विजय को 588
वासी और साध्वी को 3 मत मिले। इधर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 4 इमली जैसे पौष क्षेत्र जहां प्रदेश के IAS और IPS अफसर रहते हैं, इन अफसरों ने भी इस बार जमकर वोटिंग की। यहां से भी साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई है। 4 इमली के बूथ 256 में दिग्विजय को 86, तो साध्वी को 271, बूथ क्रमांक 257 में दिग्विजय को 64, तो साध्वी को 177 और बूथ क्रमांक 258 में कांग्रेस को 141, तो भाजपा को 412 वोट मिले हैं। रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर शहर में भव्य विजय जुलूस निकाला। जुलूस में क्षेत्र के विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विजय जुलूस निकालकर पार्टी की एकता का परिचय दिया। जुलूस में खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के सभी 8 विधायक मौके पर मौजूद रहे। जुलूस का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। गौरतलब है कि जनार्दन मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को करारी शिकस्त दी है। जनार्दन को रीवा से यह दूसरी बार जीत मिली है। मिश्रा ने जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी और की जन कल्याणकारी योजना को दिया है। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मोदी और भाजपा के नारे लगाए। एक शादी समारोह में एक युवती का फोटो खींचने के चक्कर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला छतरपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह में युवती की फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। पुलिस के मुताबिक तोरना गांव से बारात बजरंग नगर आई थी, तभी शादी समारोह में दूल्हे का भाई किसी युवती की फोटो निकालने लगा। फोटो निकालने पर कुछ लोगों ने दूल्हे के भाई के साथ मारपीट कर दी। दूल्हे का भाई को बचाने आए अमन वाल्मीकि के साथ भी मारपीट हो गई। मारपीट में घायल अमन और 2 अन्य युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अमन की मौत हो गई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर जांच के आदेश दे दिए हैं। रात्रि करीब 2:30 बजे की बात है, लटोरी रैकवार की पुत्री ज्योति का विवाह था। विवाह की काफ़ी रस्में पूरी हो गई थी, चढ़ाव का कार्यक्रम चल रहा था, तो कुछ बारातियों ने शराबखोरी करके धक्का मुक्की की या बदतमीजी की। ये बात लड़की पक्ष से कुछ लोगों को नागवार नहीं गुजरी। अभी आपस में इन लोगों का कलह हो गया, विवाद हुआ, हाथापाई हुई और ये जो व्यक्ति है अमर नवयुवक जिसकी डेथ हुई है, ये इसका समझ से परे है कि ये धक्का मुक्की में घल गया इसको हाथ, या कोई और अंदर से कोई दिक्कत थी, क्योंकि उसको चोट नहीं है लेकिन उसकी डेथ हो गई है। अब ये बीच बचाव करने में हुई कि मारपीट से हुई, भीड़ में समझ नहीं पा रहा है। इसमें विवाह समारोह के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, फोटो खींचने पर विवाद हुआ, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अमन वाल्मीकि है उसकी मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। आरोपियों को भी पुलिस ने अवरक्षा में ले लिया है, दोनों पंजीकृत कर लिया गया है। कर्ज से परेशान युवक ने अपने ही परिवार को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। जहर पीने से पति पत्नी और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर अवस्था में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गुड़ थाना के घुमा कटरा गांव में कर्ज से परेशान होकर अशोक प्रजापति ने अपने परिवार को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। जहर पीने से पति पत्नी समेत एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत नाजुक होने के कारण बच्चों को संजय गांधी अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक प्रजापति गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, उसने परिवार में ही कर्ज लिया था। बार बार दबाव बनने के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। कटरा की घटना है, ये अशोक प्रजापति और मिसेज सुनीता रात करीबन 11:30 बजे इस प्राइड का बाटल लेके आए और उसमें कुछ मिला के ये लोग पूरे परिवार सहित को पी गए। 3 बच्चों को लाया गया था, ये अशोक प्रजापति कटरा गढ़ थाने के रहने वाले हैं। इनके बच्चे थे संदीप, अनीता और एक बच्चे की अंजू प्रजापति की डेथ हो गई है। 2 बच्चे अभी ठीक हैं। सीहोर के श्यामपुर रोड स्थित मंडी क्षेत्र में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से शहर में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकान तक पहुंच गई और घरों में रखे सिलेंडरों में विस्फोट होना शुरू हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की
खबर सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सीहोर के मंडी क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकानों को भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग पर काबू पाने के लिए अन्य स्थानों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। आग लगने से देखते ही देखते लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के साथ कलेक्टर और SP मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो मकानों में गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। आग इतनी भयानक थी कि करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तक इसे आसानी से देखा जा सकता था। फिलहाल आग लगने की कारण नहीं पता चल सके हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जमकर रेत उत्खनन चल रहा है। रायगढ़ जिले की मांड नदी से रोज हजारों डंपर रेत माफिया निकाल कर ले जा रहे हैं और सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। ये सारा खेल स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। खरसिया में मांड नदी का सीना चीर कर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां भरकर रेत की तस्करी की जा रही है। रायगढ़ जिले में खनन माफियाओं को विभागीय संरक्षण मिला हुआ है और रेत माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ सरकार को चूना लगा रहा है। मांड नदी में बेखौफ जारी अवैध रेत खनन का कारोबार सरकार को प्रतिमाह लाखों की रॉयल्टी का घाटा दे रहा है। यहां बिना लीज एवं रॉयल्टी के अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि नदी से परंपरागत तरीके ही रेत निकाली जाएगी। JCB या बड़े वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बावजूद इसके रेत माफिया बेखौफ अपने तरीके से अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये तो है ना, रिजल्ट क्या है, सुनामी आ गई, ये बता रही हूँ। दूसरी पार्टियों के टिन टप्पर उड़ते नजर आ रहे हैं। किसी का कुर्ता उड़ गया, किसी का पजामा उड़ गया, सब समेटते फिर रहे हैं, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। और TV वाले तो ऐसा गला फाड़े दे रहे हैं, ये थे हमारे चैनल पे पहली बार ये और वो, चार लोगों के है ना गले खराब हो गए, बता रही हूँ। हाँ, मेरे पास खबर आई है, ऑपरेशन चल रहा है उनका गले का। मैं तो भैया बड़ा संभल के बोलता हूँ, ये तो चल रहा है। वो बता रही हूँ, ये जातिवाद की राजनीति वगैरह चलने वाली नहीं है। महागठबंधन बहुत मुगालती में था, बता रही हूँ। देखो रिजल्ट क्या आया, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें आ गई भाजपा की, बता रही हूँ। अब तो विकास का मॉडल चलेगा, डेवलपमेंट जो करेगा, जो जनता के काम करेगा वही जीतेगा, बता रहे हूँ। ये तो हवाबाजी नहीं चलने वाली अब। और भैया, और भोपाल में देखो भैया, दिग्विजय सिंह है ना, कल लठ लिए घूम रहे थे, वो तांत्रिक बाबा को ढूंढ रहे थे, बता रहे हूँ। वो आश्रम में पहुंचे बाबा के, तो बाबा अंदर से बोल रहे हैं, भैया बच्चा शांत हो जा, वो मैं साध्वी का शराब लग जाता है, इसके डर के चक्कर में है ना सारी तांत्रिक क्रियाएं उल्टी कर बैठा सारी, ये तो चल जाए। ओ भैया, मैं बता रही हूँ, अब राजे महाराजों के दिन है ना लद गए, अब है ना जनता का शासन आ गया है। अब जनता है ना जो काम करेगा, विकास करेगा, उनकी खैर खबर लेगा, उन्हीं को नहीं जिताएगी। वो देखो जो तरह से सिंधिया हार गए वहाँ गुनाह से, उनको हराने वाले उनके सिपा सलाहकार, ऐसा है किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं समझना चाहिए, बता रही हूँ। उनको टिकट नहीं दिया मुकाबले, वो BJP में आ गए, लो हरा दिया, ये तो चल गया, बता रही। और ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, वो भी भुनभुनाती फिर रही थी इलेक्शन के पहले, बहुत ये इनको पिटाई करवा दी, कुछ कार्यकर्ताओं को मरवा दिए। अब अरे रिजल्ट देख लो, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का शासन आ गया, वहाँ भी सीटें इनकी बढ़ गई हैं। तो ये जो ढंग से चलेगा वही जीतेगा, बता रही हूँ। हाँ, और राहुल गांधी को देख लो, अमेठी से हार गए, जो इनके वहाँ के दादा लड़ते थे, इनकी दादी लड़ती थी, और इनकी घरेलू सीट थी। मैं बता रही हूँ, घर को है ना देखना पड़ता है, पुराना हो जाए तो मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मेंटेनेंस नहीं करोगे, मान सड़कें मन मैंने कुछ किया तो हारो गई, यही होना है। चूहे बिल्ली दूसरे जानवर आ जाएंगे, मेंटेन नहीं करोगे घर को, तो ये तो चल गया है। और बताओ चुनाव में ये मेरे पास आ गया, रोता हुआ लाउड स्पीकर वाला, बोले मेरे नेताजी आया मेरे पेमेंट नहीं कर रहे। मेरे क्यों? अब वो कह रहे हैं, बोले तुम्हारे लाउड स्पीकर के चक्कर में मैं हार गया। तो मैंने कहा उनसे, बोलना लाउड स्पीकर गालियाँ तो तुमने दी थी या लाउड स्पीकर ने दी थी? ये तो चल गया है। एक नेताजी भैया कल डॉक्टर के पास पहुंचे, अपनी लंबी सी जीप दिखाई, बोले इसके कारण हार गया भैया, इसको छोटी कर दो। ये तो चल गया है। और राहुल गांधी का भैया इस्तीफे की खबरें आ रही है, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी दे दो भैया, पार्टी को मजबूत करना है तो कोई मेच्योर पर्सन को लेके आओ, जब तक ये भी मेच्योर हो जाएंगे बाद में धीरे धीरे। हाँ, और भैया मैं कह रहा हूँ, जो फल का जो पेड़ होता है उसमें फल लग जाते हैं तो झुक जाता है, तो इस बार बम्पर जो मेजोरिटी आई है तो मोदी जी भी थोड़े झुके झुके लग रहे हैं, और बढ़िया अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने गए, आडवाणी जी के पास गए, मुरली मनोहर जोशी के पास गए, ये तो अच्छी खबर है।
अच्छे संस्कार होने चाहिए, ये तो अच्छी खबर है। और मैं भी वही आया हूं, आप चलाए अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।